hello welcome to this physics video in today's video student we are going to learn uh, on that how to find out the resistance of uh, um, carbon resistor having color code okay so for this purpose student let us to start with this resistor so what is resistor so already that uh, which controls the flow of current in the circuit okay so what it does it oppose the current to pass through the circuit current to pass through circuit so over there that uh, this device it is said to be register mm -hmm. so this register it is uh, that can have fixed value it can have its variable value but how do we represent this register so this register it is represented with the zigzag line but this register do not have any positive or negative terminal so over there that this is a zigzag line uh, which is going to represent that a fix register okay so it's value you can't change that one while there is the second one uh, when this zigzag line and you are crossing over there an arrow so it means that this uh, uh, register value can change so it is variable register or even though you can also show this uh, variable register uh, over here uh, that row state is also said to be as variable register okay नो ओ ओवर हे दैट दिस रजिस्टर सो दे कैन बी बायरबॉन्न तो हमारे पास ये जो रजिस्टर है ये क्या uh, किया जा सकता है जो हमारे पास अलवाइज है या हमारे पास जो एक मटेरियल है नॉन कंडक्टिंग उसके ऊपर जो वायर है उसको बाउंड करके बनाया जा सकता है व्हाट एक्चुअली व्हाट इज़ आपने जो ये वायर बाउंड हमारे पास रजिस्टर है ये बहुत बड़े साइज़ के होते हैं तो इसकी वजह से जो सर्किट्स हैं इलेक्ट्रिक सर्किट वो हमारे पास बिगर इन साइजेस रह जाते हैं सो देअर वी आर नॉट टेकिंग दिस वन नाउ इन प्रैक्टिकली यूज सो ओवर हेयर वी आर हैविंग दैट इट इज़ कार्बन रजिस्टर ठीक है तो कार्बन रजिस्टर जो है हमारे पास वो यूज किए जाते हैं तो वाइटली यूज दिस कार्बन रजिस्टर क्यों क्योंकि ये चीप होते हैं इजीली अवेलेबल होते हैं ठीक है और वैरायटी में अवेलेबल होते हैं मतलब कि अलग अलग वैल्यूज़ के, के अवेलेबल हैं ठीक है एंड मोर ओवर देयर देयर एक्यूरेसी तो ये एक्यूरेटली भी ज़्यादा होते हैं मतलब कि जितना हमें डिमांड होती है दैट मच अमाउंट इट इज़ गोइंग टू बी प्रोड्यूस ऑफ द रजिस्टेंस इन द सर्किट तो इसलिए हमारे पास ये जो कार्बन रजिस्टर है हमारे पास तो इस कार्बन रजिस्टर जो है एक फ़िक्स वैल्यू का कैसे बनाया जाता है ठीक है तो कार्बन रजिस्टर एक फ़िक्स वैल्यू का कैसे बनाया जाता है तो इसके लिए स्टूडेंट हमारे पास क्या किया जाता है कि जो कार्बन कंपोजिशन जो है उसको सॉलिड सिलेंड्रिकल फॉर्म में यूज़ किया जाता है ठीक है अब कार्बन कंपोजिशन में कौन सा आ जाता है तो कार्बन कंपोजिशन में बात होती है कार्बन की ग्रेफाइट की और सैरामिक ठीक है तो इसका मिक्सचर लिया जाता है और ये क्या किया जाता है एक सॉलिड सिलेंड्रिकल फॉर्म में बनाए जाते हैं ठीक है और ये जो सॉलिड सिलेंड्रिकल जो हमारे पास यहाँ पर जो एलिमेंट बना इसके दो टर्मिनल फिर यहाँ पर बने ठीक है तो ये हमारे पास मेटल टर्मिनल यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं जिनको लीड लिखा गया ठीक है सर रिटर्न ओवर हेयर एज लीड नौ ओवर देर ये जो हमारे पास जो कंपोजिशन है यहां पर कार्बन कंपोजिशन सो टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम दैट हीट ठीक है तो जो हीट है उससे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके बाहर क्या की जाती है एक कोटिंग की जाती है ठीक है सो so, प्लास्टिक कोटिंग उसके बाहर होती है तो वार्निश कोटिंग जिसको बोला गया है ठीक है तो ये क्या कर रहा है उसको जो एक्सटर्नल हीट है क्योंकि हीट की वजह से भी क्या हो जाता है जो रजिस्टेंसिस हैं उनकी मतलब कि चेंजेस हो जाती हैं सो देर फोर टू अवॉइड सच अ चेंजेस ड्यू टू ऑफ दिस दैट हीट विच इज़ आउटसाइड सो वी आर गोइंग टू कवर इट विद दैट प्लास्टिक जैकेट ओके नाउ ओवर हेयर जो रजिस्टेंस है हमारे पास है इस कार्बन रजिस्टर का स्टूडेंट वो डिपेंड कर रहा है लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर के ऊपर ठीक तो तो, uh, है, है तो जितना ज़्यादा लेंथ ऑफ द सिलेंडर होगा उतना ज़्यादा वो रेजिस्टेंस बनाएगा सेकंड थिंग उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस अगर एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और थर्ड थिंग इस कि हमारे पास अमाउंट ऑफ कार्बन ठीक है तो इसमें कार्बन कितना हम ऐड कर रहे हैं क्योंकि कार्बन स्टूडेंट एक्चुअल में क्या है एक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ठीक है तो इस ये क्या करता है आसानी से करंट को फ्लो करवाता है सो देर फोर इफ़ वी आर गोइंग टू एड मोर कार्बन ठीक है तो अमाउंट ऑफ कार्बन के ये जो रेजिस्टेंस होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अगर आप ज़्यादा कार्बन ऐड करोगे तो इसका रेजिस्टेंस जो है कम हो जाएगा एंड इफ यू विल ऐड दैट लो और स्मॉल कार्बन सो इट विल हैव मोर रजिस्टेंस ठीक है तो इसलिए हमारे पास जो रजिस्टेंस है वो अमाउंट ऑफ कार्बन के इनिवर्सली प्रवोशनल है नाउ लेटेस्ट टू लर्न ओवर हेयर अबाउट ऑफ दैट कलर अकोडिंग सो इन केस ऑफ कार्बन रजिस्टर स्टूडेंट दैट वी आर हैविंग दिस इज दिलेंड्रिकल दैट शेप ऑफ द कार्बन रजिस्टर विच इज़ हैविंग द टू टर्मिनल ठीक है विच इज़ यूज इन द सर्किट फॉर मेकिंग द कनेक्शन तो ये दो टर्मिनल कनेक्शन बनाने के लिए यूज़ होते हैं सो ऑन द बॉडी ऑफ दिस दैट सिलेंड्रिकल शेप्ड रजिस्टर देयर आर द डिफरेंट रिंग्स ऑफ डिफरेंट कलर न और मार्क्ड ऑन इट ठीक है तो इसकी बॉडी के ऊपर क्या होता है अलग अलग कलर के जो हमारे पास रिंग है वो बनाए जाते हैं सो दिस रिंग विच इज़ मार्क्ड ऑन इट्स बॉडी दे विल हेल्प अस टू फाइंड आउट हाउ मच रजिस्टेंस इट विल कीप इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट तो ये इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर कितना रजिस्टेंस देंगे दैट इज डिटर्माइंड विद द हेल्प ऑफ दिस कलर स्ट्रिप सो ओवर हे दैट एज आई हैव मार्क्ड ऑन द सिल्ड्रिकल बॉडी दर इज दिस फर्स्ट कलर ठीक है तो ये फर्स्ट रिंग हमारे पास यहाँ पर uh, शो किया गया है विच इज रिटन बाय बी वन वेल दिस अनदर सेकेंड कलर इट इज शोन बाय दिस सेकेंड रिंग विच इज नेम्ड एज बी टू एंड द थर्ड कलर इट इज इन दर्ड रिंग सो विच इज बी थ्री ओके एंड फोर्थ रिंग दट इट इज मार्कड ओवर हेयर एंड इट इज बी फोर सो सम ऑफ द रजिस्टर दे कैन हैव ऑल दिस फोर बैंड बट सम ऑफ द रजिस्टर मे हैव ओनली द थ्री ठीक है तो उसमें फोर्थ बैंड नहीं होता बट ओवर देयर यू नीड टू लुक दैट दिस थ्री बैंड दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर ठीक है तो जो बी वन बी टू और बी थ्री ये तीन बैंड क्या होते हैं एक दूसरे के क्लोजर होते हैं बट दिस बी फोर इट इज़ लिटल विट एट अ लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम दम ठीक है सुधेर फोर इजीली यू कैन आइडेंटिफाई कि हमारे पास बी वन बी टू और बी थ्री कौन सा होगा और बी फोर कौन सा यूज़ किया जाता है ठीक है एंड मोर ओवर जो बी फोर है ये हमारे पास जनरली दो ही कलर में यूज़ किए जाते हैं गोल्ड और सिल्वर में इनका यूज़ होता है जो फोर्थ बैंड होगा वो जनरली किस में होगा गोल्ड एंड सिल्वर में ठीक है नो लेटेस्ट लुक ओवर हेयर वट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑल दिस तो जो फर्स्ट हम यहाँ पर मैं बात करता हूँ जो V4 हमारे पास जो फोर्थ कलर होता है जिसको गोल्ड और सिल्वर में ही लिया जाता है और इवन दो सम ऑफ द टाइम दिस मे नॉट बी प्रेजेंट ये प्रेजेंट भी नहीं हो सकता ठीक है तो इसलिए उस वक्त क्या होंगे देर विल भी ओनली द थ्री रिंग्स विच इज़ प्रेजेंट ऑन द स्किन ऑफ दिस सिलेंड्रिकल रजिस्टर ठीक है तो इसलिए ये जो हमारे पास फोर्थ रिंग है इट टेल्स अफ आउट ऑफ दिस टॉलरेंस ठीक है तो ये क्या करता है हमें टॉलरेंस के बारे में बताता है टॉलरेंस का मतलब हो गया स्टूडेंट की हमारे पास जो आ, मार्क मतलब कि जो वैल्यूज होती हैं उस रजिस्टर की कि ये इतना रजिस्टेंस सर्किट में प्रोड्यूस करेगा सो देयर कैन बी द वेरिएशन इन इट तो उसमें क्या हो सकता है जो वैल्यू है वो थोड़ा सा उससे ऊपर या थोड़ा सा उससे नीचे जो है वो ली जा सकती है तो इसलिए ये क्या कर रहा है परमिट कर रहा है वेरिएशन की कितना ज़्यादा या कितने कम जो है उस गिवन वैल्यू से ये जो रेजिस्टेंस है ये ऑफर कर सकता है ठीक है सो इवन दो मींस दैट विल नॉट गोइंग टू डैमेज दिस रजिस्टर ठीक है तो वो उस रजिस्टर को डैमेज नहीं करेगा इफ देयर इज स्लाइटली मोर इंक्रीमेंट इन दैट रजिस्टेंस ठीक है सो वी कैन आल्सो से दैट इट इज गोइंग टू लिमिट द एक्यूरेसी ऑफ दिस रजिस्टर ठीक है नाउ लेट अस लुक ओवर हियर स्टूडेंट हाउ टू बी फाइंड इट आउट दैट कलर कोडिंग ठीक है Uh, color code ki help se se तो कलर कोड की हेल्प से रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है सो दैट वी आर गोइंग टू लुक ओवर है सो आई हैव रिटर्न ओवर है दिस इज दट टेबल विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस विच विल हेल्प अस टू नो द वैल्यूज ठीक है तो इसमें हमारे पास स्टूडेंट ऑलरेडी आई हैव रिटर्न द इट इज टेन कलर ठीक है सो टेन कलर नेमिंग इट इज़ रिटर्न इन दिस टेबल ऑलरेडी एंड लास्ट टू कलर दे आर गोल्ड एंड सिल्वर ठीक है तो गोल्ड एंड सिल्वर ऑलरेडी दैट इट इज़ सेट टू यू कि हमारे पास जो फोर्थ बैंड है उस फोर्थ बैंड में आ, जो गोल्ड और सिल्वर का यूज़ किया जाता है ठीक है या फिर डार्क विल बी नो कलर ठीक है नो लुकअप ओवर हेयर जो हमारे पास फर्स्ट थ्री जो रिंग होते हैं जो फर्स्ट थ्री रिंग्स हैं इसमें दे कैन हैव दिस कलर्स ठीक है तो जैसे हमारे पास ये ब्लैक कलर के हो सकते हैं ब्राउन के हो सकते हैं रेड के हो सकते हैं ऑरेंज के हो सकते हैं येलो के हो सकते हैं ग्रीन भी हो सकता है ब्लू वायल्ट ग्रे वाइट ठीक है या फिर गोल्ड और सिल्वर में भी ओवर देर ठीक है ऐसा भी हो सकता है ठीक है नो जस्ट लुक ओवर देयर जो हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक भी है जिसके थ्रू हम इनको लर्न भी कर सकते हैं जैसे uh, ये जो ब्लैक कलर है स्टूडेंट इसके लिए हम बी ठीक है ब्लैक का बी और ब्राउन का भी बी यूज़ कर रहे हैं रेड का आर यूज़ कर रहे हैं ऑरेंज का ओ यूज़ किया जा रहा है येलो का वाई ठीक है ग्रीन का जी ब्लू का बी वायलेट का वी और ग्रे का जी वाइट का डब्ल्यू एंड दस गोल्ड इट इज जी एंड ओवर देयर सिल्वर इज गिवन बाई एस ठीक है तो ये हमारे पास है यहाँ पर जो एब्रिवेशन हम इन डिफरेंट कलर्स के लिए यूज़ करते हैं ठीक है तो इसलिए हमारे पास अब इसको कैसे हम याद रख सकते हैं हाउ वी कैन लर्न दिस पैटर्न ऑफ द कलर्स ओके सो फॉर दिस स्टूडेंट वी हैव टू गिव फोकस ऑन दिस वन जो हमारे पास क्या बनाइए बी बी रॉय ठीक है बी बी रॉय इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन विच यू कैन सपोज सो ही इज द रेजिडेंशियल ऑफ और सिटीजन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन सो ग्रेट ब्रिटेन जी वी ओके एंड ही हैज़ अ वेरी गुड वाइफ सो वेरी गुड वाइफ and his wife is wearing this uh, gold silver necklace so he is fond of uh, jewelry so she is wearing this gold silver necklace okay uh, so what is said over here and uh, there is a person uh, who is living in great britain and uh, uh, he is a married person so that uh, his wife is very good and uh, she is wearing gold silver necklace okay तो हमारे पास इसके लिए क्या बोला गया ग्रेट ब्रिटेन दिस इज ग्रेट ब्रिटेन एंड वी फॉर वेरी एंड जी फॉर गुड वेरी गुड वाइफ सो बियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस ठीक है क्या बोला गया इसमें कि बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ बियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस ठीक है तो आ, हमारे पास दिस इज द पैटर्न दिस इज द सीक्वेंस ऑफ ऑल दिस विच इज़ ओवर हेयर बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस ठीक है तो बी का मतलब क्या होता है ब्लैक और जो सेकंड बी है उसका मतलब हो गया ब्राउन थर्ड जो हमारे पास आर है उसका मतलब रेड ओ का मतलब ऑरेंज और येलो ठीक है और एक और चीज़ मैं थोड़ा सा इसमें आपको हेल्प कर देता हूँ ये जो सीरियल नंबर अप टू एट है दैट यू कैन लर्न इट फ्रॉम द डिस्पर्शन फार्मूला ठीक है डिस्पर्शन में हमने बोला था बिब गोयर ठीक है सो ओवर देयर बिब ग्योअर वी हैव रिटर्न ठीक है तो इसलिए हमारे पास बिब गोयर में स्टूडेंट यहाँ पर आपको इनिशियली क्या करना है इसमें बी बी एड करना है ठीक है सो यू विल फाइंड दैट फर्स्ट लुक ओवर बी बी देर आर देर आफ्टर रॉय ठीक है तो इसके बाद आर ओ वाई रॉय देर आफ्टर जी देर बी ठीक है और लास्ट में वी इंडिगो इज़ नॉट इंडिकेटेड इन इट ठीक है तो इसलिए यहाँ से भी थोड़ा सा पैटर्न को लर्न किया जा सकता है ठीक है सो नो लेटेस्ट लुक ओवर है जो हमारे पास स्टूडेंट ये जो फर्स्ट रिंग होता है इस सिलेंड्रिकल बॉडी के ऊपर ठीक तो है तो ये जो फर्स्ट रिंग है ये हमें फर्स्ट डिजिट देगा ठीक है सो दिस फर्स्ट रिंग विल गिव अस फर्स्ट डिजिट सो आई एम गोइंग टू मार्केट एज ए क्या दिया इसने हमें ए की वैल्यू दी ठीक है फर्स्ट रिंग डिजिट विल गिव अस बाई दैट बी वन रिंग ठीक है सो देर यू विल स्टार्ट वन थिंग ठीक है आपने ये करना है जो हमारे पास काउंटिंग है ठीक है सीरियल नंबर तो कैसे थे वन टू थ्री फोर थे ठीक है नाउ यू विल स्टार्ट ओवर हेयर काउंटिंग फ्रॉम जीरो ठीक है जीरो से स्टार्ट करें जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ठीक है तो ओनली आपने वाइट इस जो कलर है वहीं तक आपने मार्किंग uh, करनी है डोंट गिव दिट फॉर गोल्ड एंड सिल्वर ठीक है सो देआर फॉर जो फर्स्ट डिजिट है दैट विल बी टेकन फ्रॉम द फर्स्ट रिंग एंड आई एम गोइंग टू मार्क इट एज ए ठीक है एंड दैट सेकेंड डिजिट अगेन रिपीट द सेम पैटर्न जो सेकेंड डिजिट है वो सेकेंड रिंग देगा ठीक है सो इट इज़ जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन ओके सो सेकेंड डिजिट इज गिवन बाय दैट सेकेंड रिंग वेल द थर्ड जो हमारे पास ये जो थर्ड रिंग होता है इसमें वी थ्री जो थर्ड रिंग है उस सिलेंड्रिकल बॉडी के ऊपर सो दिस विल टेल अस हाउ मच हाउ मेनी जीरोस आर यूज इन इट ठीक है तो इसलिए हमारे पास ये क्या कहता है टेन की पावर हमारे पास जो है वो देगा ठीक है बट रिमेंबर दैट ये जो सेकेंड डिजिट है ये हमें जो इसकी वैल्यू दैट इट इज़ बी ये हमें बी की वैल्यू देगा ठीक है नाउ द मल्टीप्लायर हाउ मेनी जीरोज़ विल बी यूज इन इट सो दैट इट इज़ गिवन बाय द बी थ्री जो थर्ड रिंग है जो भी उसका कलर होगा वो मल्टीप्लायर होगा ठीक है सो ओवर हेयर यू हैव टू डू वन थिंग दैट स्टार्ट द पावर्स अगेन फ्रॉम द सेम जीरो से शुरू करनी है टेन की जीरो टेन की पावर जीरो टेन की पावर वन टेन की पावर टू टेन की पावर थ्री टेन की पावर फोर टेन की पावर फाइव टेन की पावर सिक्स टेन की पावर सेवन टेन की पावर एट एंड टेन की पावर नाइन ओके सो दिस इज़ दैट मल्टीप्लायर विच वी हैव टू यूज़ एंड बाई चांस इफ आउट ऑफ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड देर इज गोल्ड एंड सिल्वर सो दे विल विल्सो हैव दिस मल्टीप्लायर सो टेन की पावर माइनस वन और टेन की पावर माइनस टू हमारे पास उसके लिए यूज किया जाएगा ठीक है नाउ द लास्ट वन इट इज ओवर देयर स्टूडेंट इट इज़ टॉलरेंस ठीक है तो टॉलरेंस हम हमारे पास क्या बताता है कि हाउ मच वेरिएशन कुड बी देयर विच विल नॉट अफेक्ट एनी मोर द रेजिस्टेंस ठीक है सो दिस इज सेट टू बी टॉलरेंस तो इसलिए टॉलरेंस जो हमारे पास दिस इज ओनली ऑफ टू कलर एक गोल्ड की और दूसरी सिल्वर की आएगी ठीक है तो गोल्ड अल्फाबेटिकली गोल्ड पहले आता है और सिल्वर जो है हमारे पास बाद में आएगा सो देर गोल्ड की वैल्यू जो है प्लस माइनस फाइव और सिल्वर की वैल्यू जो है प्लस माइनस टेन परसेंट होगी ठीक है सो देर में वी दें प्लस माइनस टेन परसेंट वेरिएशन इफ दिस फोर्थ वैंड इज सिल्वर ठीक है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू में प्लस माइनस टेन परसेंट ऊपर या नीचे वैल्यू हो सकती है एंड इफ़ देयर इज नो फोर्थ बैंड देन देयर विल बी द वेरिएशन परमिसिबल विच इज़ ऑफ प्लस माइनस ट्वेंटी परसेंट ठीक है तो इतनी वेरिएशन उसमें परमिसिबल uh, हो सकती है ठीक है सो नो हाउ डू बी राइट दिस रजिस्टेंस तो अब बात करते हैं रजिस्टेंस कैसे लिखोगे आप हाउ विल यू राइट दिस रजिस्टेंस सो रजिस्टेंस विल बी इक्वल टू दर फर्स्ट बैंड विल गिव अस द ए वैल्यू ठीक है तो फर्स्ट बैंड जो है फर्स्ट डिजिट देखा देयर आफ्टर सेकेंड बैंड विल गिव यू सेकेंड डिजिट डोंट मल्टीप्लाई दैम ठीक है यू हैव टू कीप योर वैल्यू ओनली एट दिस प्लेस ए की वैल्यू कितनी आई ठीक है बी की वैल्यू कितनी आई एंड देर आफ्टर यूज द मल्टीप्लायर एंड टेन की पावर दिस मल्टीप्लायर गिव इट एज सी नेम ठीक है तो हमारे पास जो पावर uh, है वो कितनी यूज़ होगी सो देट्स विल बी गिवन वाई दैट कलर जो भी कलर होगा वो हमें उसकी पावर बताएगा एंड देयर आफ्टर प्लस माइनस सो टॉलरेंस जो फोर्थ बैंड है वो टॉलरेंस देगा तो इसलिए प्लस माइनस टॉलरेंस इज इंडिकेटेड बाई देयर अल्फा तो इसलिए प्लस माइनस अल्फा सो दिस इज दट अ रजिस्टेंस इन ओह सो लेटेस टू ट्राई यूर हेयर विद द हेल्प ऑफ वन ऑफ द एग्जाम्पल ठीक है तो ये स्टूडेंट हमारे पास एग्जाम्पल है सो वी हैव टू डिटर्माइन द रजिस्टेंस ऑफ दिस वन ठीक है इसका हमें रेजिस्टेंस निकालना है तो कलर कोडिंग हमारे पास दी है कि जो फर्स्ट बैंड है इट इज बी वन सेकेंड बैंड इट इज बी टू और थर्ड बैंड इट इज ओवर देयर दैट येलो कलर एंड फोर्थ वन इट इज दैट ऑफ गोल्ड ठीक है तो ये हमारे पास फोर बैंड विच इज गिवन ओवर देयर सो हाउ मच इज द रेजिस्टेंस विच इज ऑफर्ड बाय इट बायर फॉर वी आर लुकिंग स्टूडेंट जो फर्स्ट बैंड है इट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ ए सेकेंड बैंड विल गिव अस द वैल्यू ऑफ दिस बी एंड द थर्ड बैंड इट विल गिव अस द हाउ मच टेन की पावर वी हैव टू यूज इन इट एंड द फोर्थ वन विल टेल अस दैट हाउ मच इज देयर दिस दैट परमिशिबल Um, variation okay, so therefore, it is uh, uh, over there alpha which is said by us. So, this is the resistance in Ohm okay. So, now let us look over here that uh, how much is uh, that A. So, uh, here in the table, you will find that which color is B1? It is green color. So, check over there that uh, what is the position of this uh, green color in this uh, B1. So, first digit it is green color. So, in front of green, you will find that it is 5. Okay, so therefore, this is a is going to be 5, and uh, b thereafter, b2 it is brown. So, brown it is in now in the second that b2 column, you need to look over there. Brown is given by 1. Okay, so therefore, this is going to be 1. Don't multiply them together, it is 51 now. Two digit is going to come over there into 10 key power. Now, the third band will be from the multiplier. Okay? So, which is the third band? It is yellow. So, just look over there that where is yellow? Yellow is uh, written at this position, and just to check that one, it is the power 4 is used in this case. 10 key power is 4. Okay, so thus I will have over here it is 10 give our 4 plus minus. Now, which is the last color over here? It is gold. So, gold that we are having its percentage variation is 5 plus minus 5. Already check over here. Okay, so this is over here, student. So, this we are having it is the resistance. It is the resistance. Now check over there. Plus minus 5%. So it means that uh, um, in the value of this resistance, which is uh, uh, going to be 51 into 10 to the power 4. So there will be the 5% of this one. How much will be the 5% of this? So you will find that uh, this is going to be over here, which is of 2.55 into 10 to the power 4. Okay. So there it can have this much variation. So therefore, 5% of this value I have taken. Uh, so thus, uh, how much will be the resistance now? 51 into 10 to power 4 plus minus 5% is equal to 2.55 into 10 to power 4. So ohm. Huh. Okay. So there is this is that resistance which is offered. So uh, plus over there, if you will take, so it will come. Then uh, this is uh, 53.55 and uh, that uh, minus if you will do then it will become 49 uh, point something whatever the value is there okay so there's this is the variation uh, permissible over here so the tolerance is giving that uh, variation okay so thus we have done this uh, resistance from the color coding thank you for watching